हेलो एवरीवन, माय सेल्फ रेनूबाला और आज का मेरा टॉपिक है इंग्लिश का अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स होते हैं एक दूसरे के विपरीत शब्द, यानी कि एक दूसरे का उल्टा। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर्स के साथ कुछ वर्ड दिए हुए हैं, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है BIG, बिग। बिग का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल, SMALL, स्मॉल। बिग होता है बड़ा, स्मॉल हो गया छोटा। यहाँ पे मैंने पेड़ की पिक्चर बनाई है, तो ये पेड़ क्या है? बड़ा है। तो ये जो फूल है वो क्या है? छोटा है। इस तरह से नेक्स्ट है TALL, टॉल। टॉल का अपोजिट क्या होता है? शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। यहाँ पे मैंने पिक्चर बनाई है पेंसिल की, तो पेंसिल क्या है? लंबी है। तो यहाँ पे रेजर है वो क्या है? छोटी है। इसी तरह से नेक्स्ट है FULL, फुल। फुल का अपोजिट क्या होता है? एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी। फुल होता है भरा हुआ, एम्प्टी हो गया खाली। जैसे ये बॉल है तो वो क्या है? भरा हुआ है। तो ये जो बॉल है वो क्या है? खाली है। इसी तरह से नेक्स्ट है THICK, थिक। थिक का अपोजिट क्या होता है? थिन, THIN, थिन। थिक होता है मोटा, थिन हो गया पतला। जैसे जो जहां पे मैंने लकड़ी बनाई है तो लकड़ी क्या है? मोटी है। तो यहाँ पे जो स्टिक है वो क्या है? पतली है। इसी तरह से नेक्स्ट है DAY, डे। तो डे का अपोजिट क्या होता है? नाइट, NIGHT, नाइट। डे हो गया दिन, नाइट हो गई रात। यहाँ पे सूरज की पिक्चर बनाई है, तो सूरज कब निकलता है? दिन को। तो ये जो है चांद तारे, वो कब होते हैं? रात को। इसी तरह से नेक्स्ट है HOT, हॉट। हॉट का अपोजिट क्या होता है? कोल्ड, COLD, कोल्ड। हॉट हो गया गर्म, कोल्ड हो गया ठंडा। ऐसे जो कप है इसमें चाय है तो वो क्या होती है? गर्म होती है। ये जो आइसक्रीम है वो क्या होती है? ठंडी। इसी तरह से नेक्स्ट है HEAVY, हैवी। हैवी का अपोजिट क्या होता है? लाइट, LIGHT, लाइट। हैवी हो गया भारी, लाइट हो गया हल्का। तो ये जो स्टोन है, पत्थर है, वो क्या है? भारी है। ये जो पत्ता बनाया है वो क्या होता है? हल्का होता है। नेक्स्ट है फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट का अपोजिट क्या होता है? स्लो, SLOW, स्लो। फास्ट हो गया तेज, स्लो हो गया धीरे। यहाँ पे जो खरगोश है, खरगोश कैसे चलता है? तेज चलता है। तो ये जो टोरोटाइज है, यानी कि कछुआ, वो कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। बिग, बिग का अपोजिट क्या होता है? स्मॉल। बिग हो गया बड़ा, स्मॉल हो गया छोटा। टॉल, टॉल का अपोजिट क्या होता है? शॉर्ट। टॉल हो गया लंबा, शॉर्ट हो गया छोटा। फुल, फुल का अपोजिट एम्प्टी। फुल होता है भरा हुआ, एम्प्टी होता है खाली। थिक, थिक का अपोजिट है थिन। थिक हो गया मोटा और थिन होता है पतला। डे, डे का अपोजिट नाइट। डे होगी दिन, नाइट हो गया रात। उसके बाद है हॉट। हॉट का अपोजिट कोल्ड। हॉट हो गया गर्म, कोल्ड हो गया ठंडा। उसके बाद है हैवी। हैवी का लाइट। हैवी हो गया भारी, लाइट हो गया हल्का। उसके बाद है फास्ट। फास्ट का अपोजिट होता है स्लो। फास्ट होता है तेज और स्लो हो गया धीरे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।